everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 9 सोशल साइंस का एक बहुत प्रमुख हिस्सा जो है वो हम कवर करने वाले हैं. हाफ ईयरली एग्जाम आपके दरवाजे पर खड़ी है और आप सभी लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अब इस प्रिपरेशन वाले फेज में एक चीज जो फॉर श्योर है वो ये है कि आपका मैप आइटम जो है वो जरूर आएगा. तो क्लास 9 का मैप वर्क क्या आना है हाफ ईयरली के लिए, वो सारी चीजें इस एक वीडियो में प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे दो तीन चीजें और सुन लो. क्या सुन लो? सबसे पहली चीज तो ये कि हमने चैप्टर वाइज मैप प्लॉटिंग कर ली है, लाइव मैंने आपको आपके साथ करवाई है. अगर मिस करी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीजों का एक समरी मिल जाएगा. दूसरी चीज, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो बस यूं ही चेहरे पे मुस्कान लेकर देख रहे हो तो वो काफी नहीं है. क्यों? एक मैप और एक पेंसिल जरूर साथ लेकर बैठना. मैप और पेंसिल होगी तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो रोक दो. समझ में आया? ये मैप और पेंसिल रहेगी तो आप साथ ही साथ प्लॉट करते चलोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए. तीसरी चीज, आएगा क्या हाफ ईयरली में? अब देखो, नाइन्थ क्लास एक बोर्ड क्लास नहीं होती है. नाइन्थ क्लास हर स्कूल में अलग अलग तरह से, किसी टीचर ने एक चैप्टर ज्यादा करवा दिया, किसी ने कम करवा दिया, तो वो वेरिएशंस रहेंगे. लेकिन सबको इंक्लूड करते हुए जो एक बड़ा सिलेबस हो सकता है हाफ ईयरली का, वो ये है कि आपके ज्योग्राफी से 1, 2, 3, 4 तक चैप्टर आ रहे हो हाफ ईयरली में, तो 1, 2, 3, 4 का मैप वर्क कर लेंगे. चैप्टर 1, 2, 3, 4 ज्योग्राफी का, और हिस्ट्री में शुरुआत के 3 चैप्टर का ही मैप वर्क आता है, तो शुरुआत के 3 चैप्टर का मैप वर्क भी कर लेंगे. तो कुल मिला के ऐसा रहेगा ये कुछ कि लगभग पूरा ही मैप वर्क आपको करवा दे रहा हूं मैं. फिर भी स्टिल अगर कोई किसी का सिलेबस वाला पार्ट रह रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. वैसे अब मैप में फिर बची कुछ नहीं रहा है, ठीक है? मैप में कुछ बची कुछ नहीं रहा है, मतलब कि सिर्फ चैप्टर 5 और 6 बच रहा है. चैप्टर 5 और 6, तो 6 से तो कोई मैप वर्क होता नहीं, 5 का ही बच रहा है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला. तो यहाँ पे आपको एक तरह से पूरा कंप्लीट ही मैप वर्क में करवा दे रहा हूँ, चाहे से हाफ ईयरली का समझ लो या फाइनल एग्जाम का समझ लो. समझ गए यहां तक? तो स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट मैप वर्क फॉर हाफ ईयरली क्लास 9 सोशल साइंस. मैप और पेंसिल तैयार रखना. हियर वी गो. स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा सरप्राइज इस साल का आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है. कल यानी कि 5th of September 6 PM onwards we will be sharing the biggest event of this year with you people, an academy one. आप सभी लोग join जरूर कीजिएगा, मैं भी जा रहा हूं and you can also join. आपको links जो है वो description में मिल जाएगी. You can join us live in this event, an academy one. तो वो miss मत करना. आगे ये जो मैप वर्क मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये मैप वर्क का नोट्स भी दे दूंगा मैं. तो मैप वर्क का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन, मैप वर्क का नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की. टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा सोशल स्कूल. क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं यहां से. लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स क्या है? देखो, सब्जेक्ट हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में मैप आइटम में क्या क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ये 3 चैप्टर से मैप वर्क आना है हिस्ट्री में, ठीक है? तो अब ये 3 चैप्टर से मैप वर्क आना है, तो अब अगर आप इसमें सोचोगे कि इंडिया का मैप ढूंढ लें तो इंडिया के मैप पे नहीं आना है ये, या तो वर्ल्ड मैप पे आएगा या फ्रांस के मैप पे आएगा. और आएगा कैसे? तो लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, ठीक है? लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन, या तो आपसे कह देंगे लोकेट एंड लेबल, या तो आपसे कह लेंगे कि आइडेंटिफाई करो, ठीक है? वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ सकते हैं, वो चीज ध्यान रखिएगा. तो यहां पे क्या हिस्ट्री में? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए. जगह कौन कौन सी है? बॉर्डोएक्स, नेंटिस, पेरिस और मार्सिलिस. तो अब अगर इसको आप यहां देखोगे तो मैप पे सिंपल सा प्लॉट किया हुआ है. फ्रांस का मैप अगर देखोगे तो पेरिस कैपिटल सिटी, नेंटिस पोर्ट था, बॉर्डोएक्स पोर्ट था, और मार्सिलिस वो जगह थी जहां से गाते बजाते हुए निकले थे वॉलंटियर्स. किस चीज के लिए? ऑस्ट्रिया प्रुशिया, इनको हराने के लिए. फाइन, तो मार्सिलिस वो जगह हो गई. तो ये 4 पॉइंट आपको फ्रांस के मैप पे ध्यान रखना है. सुनो मेरी बात, मैंने डिटेल में एक एक चीज करवाई है कहां पे, लाइव मैप प्लॉटिंग सेशंस में. तो ये आपके रिवीजन के हिसाब से मैं प्लॉट करवाते चल रहा हूं, अब आपके एंड पे प्लॉट करते चलना, ठीक है? तो पेरिस, नेंटिस, बॉर्डोएक्स, मार्सिलिस. तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका पेरिस हो, मतलब बॉर्डोएक्स पोर्ट सिटी है, नेंटिस भी पोर्ट सिटी है, तो पोर्ट सिटीज ऐसे लगाएंगे. अब पेरिस यहां पे कैपिटल हो गया और ये मार्सिलिस हो गया. क्लियर हुआ? तो अगर इसकी नंबरिंग कर दे अपन तो 1, 2, 3, 4. तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? बॉर्डोएक्स 1, ठीक है, बॉर्डोएक्स 1, 2 नेंटिस, 3 पेरिस, 4 मार्सिलिस, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 हो गया आपका. ये आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं, जिससे मतलब ऐसा कि एक बार नजर दौड़ाने के हिसाब से, बाकी प्लॉट जरूर करना तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा. तो ये 4 सिटीज आपको ध्यान रखना है. फ्रांस, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर है, फ्रांस के मैप पे सिर्फ इतना ही आना है. फाइन, चैप्टर 2 की तरफ अगर रुख करें थोड़ा सा, चैप्टर 2 की तरफ अगर थोड़ा सा रुख करें अपन,
तो चैप्टर टू में क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या दिया गया आपको, हिस्ट्री में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर है। लोकेटिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। अब ये चैप्टर और नाजीज्म वाला चैप्टर, दोनों ही चैप्टर से क्या आना है, दोनों ही चैप्टर से मैपवर्क जो है वर्ल्ड मैप पे आना है। एक वर्ल्ड वॉर वन के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा, दूसरा वर्ल्ड वॉर टू के कंटेक्स्ट में। अब देखो यहां वर्ल्ड वॉर वन की कंट्रीज के बारे में पूछा गया है, मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लॉट करना है। तो अब ध्यान करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर की टीम कौन सी थी, आरसीबी वाली, हारने वाली मतलब, ठीक है। तो सेंट्रल पावर में मतलब क्या होता है कि आप कौन कौन देखोगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये तीन मेंबर्स थे सेंट्रल पावर्स के। मैप पे कहां लगाएंगे हम, तो देखो आपकी बुक का ये वाला जो मैप है, बुक में दिया है मैप किस चैप्टर में, तो जैसे अगर आप देखोगे रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में दिया है, तो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये क्या है, ये सेंट्रल पावर की टीम हो गई है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के, देखो वैसे तो क्या है कि ये मैप मिलना मुश्किल हो जाते हैं ऐसे, तो टीचर्स भी जनरली प्रेफर ये करते हैं कि पूरे क्वेश्चन ही ज्योग्राफी से दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आते हैं हिस्ट्री में मैप इस तरह से, तो यूरोप का मैप दे देंगे और पूछ देंगे सेंट्रल पावर कौन कौन सी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी, जर्मन एम्पायर था उस समय, और जर्मनी का दोस्त बना था ऑस्ट्रिया हंगरी ये वाला, और नीचे की तरफ जैसे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका ऑटोमन एम्पायर। प्लॉट करें तो जर्मनी मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी, और थर्ड वाला पार्ट हो गया टर्की। तो ये आपका जर्मनी हो गया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, और ये हो गया आपका टर्की, ऑटोमन एम्पायर वाला थ्री, ठीक है। ये टर्की यहां तक पूरा था, ब्लू कलर में दिख रहा है। तो ये रेफरेंस के लिए ये मैप रख लेना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंट्रीज, सेंट्रल पावर के कंट्री, तो ये सेंट्रल पावर के कंट्री एक दो तीन, ठीक है। रेफरेंस के लिए ये मैप आपके पास बुक में है आपकी, क्लियर हुआ। ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ये सेंट्रल पावर की टीम थी। और फिर वहीं पे अगर उसी मैप में देख लोगे तो उसी मैप में आपको आंसर मिल जाएगा अलाइड पावर्स का भी। कैसे, अलाइड पावर में ये रशियन एम्पायर, ये फ्रांस, ये यूनाइटेड किंगडम, और उधर दूर जाके एक यूएसए, ध्यान है। तो वो अलाइड पावर्स के हो जाएंगे। तो क्योंकि अगली चीज यही प्लॉट करना है, ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, क्या आएगा, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए, ये सब अलाइड पावर्स थे। तो फ्रांस, ये फ्रांस रहा आपका, ये आपका रहा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाला, ठीक है। और उसके बाद में ये रशियन एम्पायर हो गया आपका, और ये रशियन एम्पायर के साथ साथ में एक और क्या है, यूएसए है। तो यूएसए के लिए आपको इधर मैं बता देता हूँ, ये यूएसए, ठीक है। वर्ल्ड मैप आ गया जैसे, तो वर्ल्ड मैप पे ध्यान रखिएगा। अब वो यूरोप के मैप में छोटे में समझ आ रहा है, बड़े मैप में ढूंढते रह जाएंगे किधर है। तो ये देखो, इधर यहाँ पे जो समुद्र में है वो इंग्लैंड हो गया आपका, उससे लगा हुआ ये फ्रांस हो गया, तो ये फ्रांस, ये इंग्लैंड, ये बड़ा सा दिख रहा है रशियन एम्पायर, तो ये रशियन एम्पायर वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रशियन एम्पायर और एक यूएसए जो पूछा जा रहा, तो ये रहा आपका यूएसए, ध्यान रहेगा ये। तो ये प्लॉट कर लो, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये चार अलाइड पावर्स थे। सेम चीज आपको नाजीज्म वाले चैप्टर में भी पूछी जाएगी, और फाइन, सेम चीज नाजीज्म वाले चैप्टर में भी पूछी जाएगी, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। अब जैसे अगर हम यहां देखें, तो यहां पे भी अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर दोनों आपको मतलब यहां पे इसको इग्नोर कर देना, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली जो था, तो ये वर्ल्ड वॉर वन का ही केस है, लेकिन पूछा जो जाएगा तो टर्किश या फिर ऑटोमन एम्पायर, तो यहां पे इस चीज को इग्नोर करना। ये सिर्फ मैंने आपको ये दर्शाने के लिए बताया था कि फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, अलाइड पावर्स की बात कर रहे हैं, रशिया, उसके बाद में ये यूएसए इधर पे, ध्यान रहेगा। एक मैप पे, वर्ल्ड मैप पे मैं अलग से प्लॉट करके आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे दूंगा वो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, अब ये नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाले चैप्टर से आ गया। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से वर्ल्ड वॉर वन की कंट्रीज पूछी थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर आपको नया ध्यान रखना रहेगा। और जो ये वाला चैप्टर है नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें वर्ल्ड वॉर टू की कंट्रीज पूछी है, मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर पूछी गई है आपसे। तो मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या जाएगा, जर्मनी, इटली, जापान, ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, जर्मनी, इटली, जापान वाला। साथ ही साथ अलाइड पावर्स में क्या जाएगा, वही यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर और यूएसए। मैप पे प्लॉट करते हैं चलो, तो जैसे मैप पे अगर हम पहले बात करें अलाइड पावर्स की, अलाइड पावर्स में ओके यहाँ पे एक ये स्लाइड रिपीट हो गई है, नॉट एन इशू, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में आपसे क्या क्या पूछा गया, मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको मैं प्लॉट करवाता हूं, ब्लू कलर से हम प्लॉट करेंगे किसकी, ठीक है, ब्लू कलर बोल रहा हूं, रेड कलर से हम प्लॉट करेंगे अलाइड कंट्रीज, और येलो कलर से हम प्लॉट जो करेंगे, येलो कलर से जो हम प्लॉट करेंगे वो एक्सिस पावर की कंट्रीज कर लेंगे, एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर में जैसे येलो पता नहीं इस पे दिखेगा कि नहीं, एक्सिस पावर मतलब क्या है, हारने वाली टीम थी, तो उसमें क्या क्या जाएगा, ये जर्मनी, ये इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, और ये जापान, ये यहां पे जापान है, ठीक है,
जर्मनी इटली जापान है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा रेड से वो कर देता हूँ आउटलाइन, तो आपको ध्यान रहेगा। और वहीं पे अगर अलाइड पावर्स की बात करें तो अलाइड पावर्स की टीम सेम रही है, तो यूएसए एक अलाइड पावर हो गया, यूएसए के बाद में एक ये यूनाइटेड किंगडम एक अलाइड पावर हो गया आपका, उसके बाद में फ्रांस वाला एक अलाइड पावर हो गया आपका, फ्रांस वाला एक अलाइड पावर हो गया, और एक अलाइड पावर आपका क्या हो गया, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते, ध्यान है आपको, रशियन रेवोल्यूशन के बाद में क्या बन जाता है, वो यूएसएसआर बन जाता है, तो सेकंड में यूएसएसआर आ जाएगा। फाइन, अगर आप यहां देखना चाहोगे तो ये रहा आपके सामने आंसर, क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दो पावर ब्लॉक्स जो थे कौन कौन से थे, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में क्या है, एक्सिस पावर जैसे अगर आप देखोगे जर्मनी इटली जापान, तो यहां पे आपको ये जर्मनी देखने को मिल रहा है, फाइन, ये येलो कलर में देखो, ये जर्मनी देखने को मिल रहा है येलो में, ये नीचे इटली देखने को मिल रहा है वर्ल्ड मैप पे, और ये जापान। ये बोल दो, हाँ सर ये तो हारेंगे, एक्सिस पावर छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे थे लेकिन भयंकर थे, फाइन। अब हार जीत को एक तरफ रखते हैं, मैप पे ध्यान रखें तो ये तीन कंट्री जर्मनी इटली जापान ध्यान रहेगा, और अगर अलाइड पावर्स की बात करें तो ये यूएसए, ठीक है, ये फ्रांस, ये यूनाइटेड किंगडम, और ये बड़ा सा रशिया, यूएसएसआर, यूएसएसआर उस समय यूएसएसआर था। तो ये टीम थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। हिस्ट्री का मैप वर्क इतना ही है, अगर आपने हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टीम्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टीम्स, और बॉर्डोएक्स नेंटिस, पेरिस, और कह सकते हैं एक और क्या था, मर्सिलिस, ये चार पॉइंट इतना ध्यान रख लिया तो हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ का हाफ ईयरली का मैप वर्क, इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि आगे जो चैप्टर है उनसे मैप वर्क आना नहीं है कोई, फाइन। तो बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में सेंस की फाइनल एग्जाम में भी, आपके फाइनल एग्जाम में भी अगर यही तीन चैप्टर रहेंगे तो यही तीन चैप्टर से मैप वर्क आना है, समझ गए मेरी बात को। तो उस तरह से ये इतना मैप वर्क आपको ध्यान रखना है क्लास नाइन के बच्चों को, ये मैंने प्लॉट करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखो, आगे अगला पार्ट आपके लिए जो आता है, तो नाजीज्म में एक चीज और है, नाजीज्म वाले चैप्टर में एक चीज और है कि हिटलर जो है, तो हिटलर फैलना चालू करता है अमीबा की तरह, ठीक है। तो अब क्या होता है, हिटलर कहां कहां एक्सपैंड करता है, टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर, जब नाजी पावर वॉज ऑन इट्स राइज, तो व्हाट वर द टेरिटरीज विच केम अंडर नाजी पावर, कौन कौन से टेरिटरीज तक पहुंचे थे वो। तो ये वाला जो मैप है आपकी बुक का, ये वाला जो मैप है आपकी बुक का, इसे ध्यान रखना, इसमें सारे वो दिए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रिया, तो ये जर्मनी थी, जर्मनी में जैसे अगर आप देखोगे तो हिटलर ने क्या है, ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर लिया था। एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, अंडर विच स्लोगन हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया विथ जर्मनी, हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ इंटीग्रेट कर लिया था, तो किस स्लोगन के अंडर में इंटीग्रेट किया था वो आप बताएंगे मुझे। हाँ, तो ये ऑस्ट्रिया हो गया, फाइन, यहाँ पे 1 2 3 लिख दूं मैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो 7 पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, 7 अलग अलग टेरिटरीज विच केम अंडर दी जर्मन एक्सपेंशन के अंडर में जो आई। तो ऑस्ट्रिया में कब्जा किया, सुडेटनलैंड वगैरह भी मिला लिया था, सुडेटनलैंड वगैरह के बाद में ये स्लोवाकिया वाला पार्ट जो यहाँ पे, ठीक है, ये स्लोवाकिया वाला जो पार्ट है, ये स्लोवाकिया वाले पार्ट को भी कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। अभी चेकोस्लोवाकिया पूरा था, तो ओनली स्लोवाकिया सोन इन दी मैप, तो ये वाला पार्ट स्लोवाकिया वाला हो गया, ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, ऑस्ट्रिया वाला हो गया। पोलैंड, तो पोलैंड की जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पोलैंड का, ठीक है, पोलैंड का हिस्सा भी कब्जा कर लिया, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है पोलैंड, जैसे अगर आप देखोगे तो जर्मनी से लगा हुआ ईस्ट में, और पोलैंड में घुसता है तभी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, ध्यान आ रहा है, थ्योरीज कनेक्ट करते चलना। तो पोलैंड वाला हिस्सा ही हो गया 2, फाइन, तो ये पोलैंड में भी एंट्री कर जाता है, 3 वाला, 2 वाला, हाँ, पोलैंड वाला हिस्सा ही हो गया 2। तो उस तरह से ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, मतलब इस मैप पे सब दिया है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, जैसे अगर देखोगे तो सब दिया है। चेकोस्लोवाकिया कहां मिलेगा आपको, तो चेकोस्लोवाकिया में आपको सिर्फ स्लोवाकिया जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ स्लोवाकिया के नाम से जो दिखाया है मैप पे वो ध्यान रखना है, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, उसके बाद में डेनमार्क, ये रहा आपका डेनमार्क, डेनमार्क के बाद में लुथीनिया, तो ये ऊपर वाला पार्ट लुथीनिया, दीज वर दी टेरिटरीज विच केम अंडर दी जर्मन एक्सपेंशन। लुथीनिया हो गया, लुथीनिया के बाद में फ्रांस, फ्रांस को छठी का दूध याद दिला दिया था किसने, हिटलर ने, पूरा फ्रांस एक तरह से कब्जे में कर लिया था अंडर नाजी पावर, तो फ्रांस, और फ्रांस के बाद में बेल्जियम, तो उन्होंने बोला फ्रांस के साथ में बेल्जियम तो ऐसे ही आ जाता है फ्री फोकट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो फ्रांस और बेल्जियम, ये सब एक, ये पूरी टेरिटरीज जो है जर्मन एक्सपेंशन के अंडर में थी, नाजी पावर के अंडर में थी, जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इनके जैसे इंडेक्स देखो तो इंडेक्स जो है तो थोड़ा अलग दिया है, कैसे कि टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन ग्रीन कलर वाली, उसके बाद में ग्रेटर जर्मनी तो था ही, और जो टेरिटरीज कॉपरेट कर रही थी, तो जैसे स्लोवाकिया वगैरह, तो स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब कॉपरेट कर रहे थे, ज्यादा दिक्कत नहीं गई है, क्लियर हुआ। और इटली तो उनकी टीम में ही था, समझ में आ रहा है। न्यूट्रल पावर में कौन थे, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल बैठा था, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह ये न्यूट्रल बैठे थे,
और जो न्यूट्रल नहीं थे तो उनको कब्जा कर लिया उनने, क्लियर हुआ। तो ये एक्सपेंशन वाली कंट्रीज जो है वो आप यहां से ध्यान रख सकते हो आसानी से, यहां से आसानी से ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या है, ज्योग्राफी वाला पार्ट चालू होता है हमारे यहां से, हिस्ट्री वाला कंप्लीट हो गया, मैंने बता दिया आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आप ज्योग्राफी में कितने चैप्टर पढ़े हैं सर हाफ ईयरली के? तो देखो वैसे तो ज्योग्राफी में 5 चैप्टर से मैप वर्क आता है, हाफ ईयरली में खूब भी चैप्टर अगर आ रहे होंगे तो, वैसे तो जहां तक मुझे लग रहा है कि बच्चों के 1, 2, 3 ही आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी का 4 अगर आ भी रहा है तो इसके लिए मैं 4 का भी मैप वर्क करवा दूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या आएगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन आएगा। चैप्टर 2 में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या आएगा, माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक। अगर ध्यान है तो हमने स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज लाइव मैप प्लॉटिंग भी करी है चैप्टर वाइज, ठीक है। ड्रेनेज और क्लाइमेट, ये 4 चैप्टर आपको ध्यान रखना है, ड्रेनेज और क्लाइमेट, समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, इंडिया साइज एंड लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकेशन एंड लेबलिंग, ये पॉइंट। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, देखो इंडिया के स्टेट कैपिटल्स के साथ में ध्यान रहना चाहिए, ये मैप पे पूछा जा सकता है। तो अगर आपके टीचर आपसे पूछ ले रहे हैं कि आइडेंटिफाई मिजोरम ऑन दी मैप ऑफ इंडिया, तो आप ये मत बोलना कि सर हमें तो पढ़ा ही नहीं था ये वाला चैप्टर में, इंडिया साइज एंड लोकेशन में कहाँ है, तो ये मैप वर्क में दिया है, ठीक है। तो स्टेट्स और उनकी कैपिटल ध्यान रखना होगी। अब सर ये एक दिन में थोड़ी ना होती है, तो आपसे एक दिन में पूछ भी कौन रहा है, आप लोगों को एक होमवर्क करना होगा। और देखो आज कर लोगे जीवन भर इस चीज से खुश रहोगे, टेंथ में भी आप मुझे क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे किस चीज के लिए कि सर आपने बोला तुमने कर लिया, तो फायदे में है। मैप जरूर याद से कर लेना, मतलब मैप जरूर से याद कर लेना बच्चों। कैसे याद करना है, तो एक पॉलिटिकल मैप आता है ना जिलेटिन वाला, वैसा वो चिपका लो कहां पे, जहां आप पढ़ते हो, चलते फिरते घूमते नाचते गाते किसी भी तरह से जब बार बार उस पर नजर जाएगी तो आपको स्टेट्स की लोकेशन, एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप होगी, स्टेट्स की लोकेशन रेफरेंस वाइज ध्यान होगी, अच्छा इधर ये स्टेट है, इधर ये स्टेट है, समझ रहे हो। तो उस तरह से आपको क्या होगा, एक मेमोरी डेवलप होगी, एक मेमोरी डेवलप होगी, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, वो चीज ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो वो हो गया क्या, मैप वाली बात जो मैंने आपको बताई, मैप जरूर याद से याद कर लेना, ठीक है, सारे कैपिटल्स के साथ में, तो वो आसान रहेगा। अब अभी हम अगर करने बैठे हैं तो देखो मैं आपको फटाफट रेफरेंस में बता देता हूं। तो जैसे अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर है, तो ये ऐसे जब मतलब स्टेट की कैटेगरी में नहीं आ रहे, हमें स्टेट एंड देयर कैपिटल ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्या, इधर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इधर हिमाचल प्रदेश के बाद में आप जिस देखोगे तो यहाँ क्या जाएगा, पंजाब आ जाएगा, यहाँ हरियाणा आ जाएगा, पंजाब हरियाणा, और फिर ये आ गया उत्तराखंड आपका, उत्तराखंड के बाद में ये दिल्ली यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली के बाद में ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। तो उस तरह से मुझे तो याद है, अब बोल रहे सर आपको याद है तो हम क्या करें, आपको भी याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में क्या आ गया आपका, ये उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो देखो बंगाल मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद में जैसे सदर्न स्टेट्स में आ गए, तो इधर आपको पता है वेस्टर्न साइड में केरला, ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु, ऊपर की तरफ चलेंगे कर्नाटका, इधर हो गया ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर, आंध्र प्रदेश से अलग निकला तेलंगाना, तेलंगाना, अब बचा क्या, इधर इस पार्ट में कुछ नहीं बचा, तो हमारे 28 स्टेट्स हैं। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना होंगे 28 स्टेट्स। अब इनकी कैपिटल सिटी भी याद रखना होगी, तो वो थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है, आप जितना समय मैंने बताया ना मैप के साथ बिताओगे। तो अब कैपिटल सिटीज की अगर बात करें हम, तो कैपिटल सिटीज ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करें, शिमला, पंजाब, और जैसे पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद उत्तराखंड का देहरादून, दिल्ली का दिल्ली मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो उस तरह से फिर बिहार, पटना, वो सारी चीजें सीक्वेंस में अपने आप ग्रेजुअली बिल्डअप होगी। कब बिल्डअप होगी, जब आप मैप के साथ समय दोगे। तो स्टेट्स और उनके कैपिटल्स, अब आ जाओ इधर, ठीक है, किधर, तो अधिकतर बच्चे जिन लोगों को ये समस्या रहती है, मोस्ट ऑफ यू कंप्लेन दिस, क्या कि सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ध्यान नहीं होते, क्यों ध्यान नहीं होते, मैं ये पूछता हूं। मैं आपको एक सिंपल सी निंजा टेक्निक बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद करना है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लॉजिक लगाओ सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आपको बहुत आसानी से ध्यान हो जाएंगे। लेट मी गिव यू दी लॉजिक, आपको अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश कैसे, मतलब देखो कहानी में बता रहा हूं आपको, इधर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम ध्यान रखने वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एक आसाम 7 और एक 8, 8 स्टेट्स ध्यान रखना है, 20 स्टेट आपने इधर ध्यान कर लिए, 8 स्टेट और ध्यान करना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत आसानी से समझा जा सकता है अगर आप लॉजिक लगाते हो तो। कैसे, अरुणाचल प्रदेश सबसे, अरुण मतलब सूर्य, सबसे पहले सूर्य की किरण किस स्टेट में आएगी, जो स्टेट सबसे आगे होगा, सबसे आगे खड़ा है अरुणाचल प्रदेश, तो एपी अरुणाचल प्रदेश ध्यान हो गया। अगला एक शब्द याद रखना है बस, नमामि, नमामि मतलब किसी को जब आप प्रणाम करते हो नमामि, तो यहां पे न म
मी। नमामी से क्या हो जाएगा आपका? नागालैंड मणिपुर मिजोरम। नमामी नागालैंड मणिपुर मिजोरम। वैसे ही अगर आप देखोगे तो एवेंजर्स का ए, एवेंजर्स का ए और ए से असम, तो ये ए की तरह दिख रहा है आपको बीच में एकदम, एवेंजर्स का ए और ए से असम, तो ये हो गया आपका असम। और उसके बाद में दो स्टेट्स बच रहे हैं, तो सिक्किम ऊपर की तरफ है और मेघालय ये बीच में है, बस दो याद रखना है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज क्लियर टू यू पीपल। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद रखना, समझना बहुत आसान है अगर आप लॉजिक लगाते हो तो। ये इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, और कैपिटल भी फिर ईटानगर हो गया, गंगटोक हो गया, दिसपुर हो गया, शिलोंग हो गया मेघालय का, नागालैंड मणिपुर मिजोरम में। इस तरह से फिर आपको क्या है, जैसे एक त्रिपुरा रह गया यहाँ पे हमारा, त्रिपुरा भी एक स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये त्रिपुरा एक स्टेट यहाँ पे, इस तरह से आठ स्टेट्स आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। तो ये आठ स्टेट्स और उनकी कैपिटल, और इधर 20 स्टेट्स उनकी कैपिटल, इस तरह से पूरा मैप जो है हमारे भारत का, खंड भारत जो है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। समझ में आया, ये चीज हो गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं किधर, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये स्टेट कैपिटल मैंने आपको बता दिया सारा, एक मैप ऐसा लगा लेना जरूरी आज से। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड मेरिडियन, दो चीजें हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो जो 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 23 एंड हाफ डिग्री जो है, जो कंट्री को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ में डिवाइड करिए नॉर्थ और साउथ में, वो आपका क्या है, वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। 23 एंड हाफ डिग्री जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और कंट्री का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, कंट्री का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो कंट्री को मतलब कह सकते हैं वेस्ट से ईस्ट तक का जो पूरा का पूरा एक्सटेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का आपको देखने को मिलता है, तो उसके बीच में से जो लॉन्गिट्यूड गया, जिसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया, जिससे हमारे क्या है टाइम्स सेट होते हैं, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 82 डिग्री 33 मिनट्स पे, ठीक है। तो 82 डिग्री 33 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। अब एक चीज जो और छोटी सी है जो ध्यान रखने वाली है, क्या एक सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री लैटिट्यूड, 23 एंड हाफ मिनट्स लैटिट्यूड, वो किन किन स्टेट से होते हुए गुजरता है, तो स्टेट ध्यान रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसा बनाता हूं, ठीक है, तो वो आसान रहेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सारे स्टेट से होता हुआ गुजरता है। ये चीज भी ध्यान रखना आपको कि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का नॉर्मली पूछा नहीं जाता, स्टैंडर्ड मेरिडियन का नॉर्मली पूछा नहीं जाता, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 33 मिनट्स पे से निकलता है। समझ में आ गया, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन या आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये मैप बुक में दिया है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दो चीज भी ध्यान रखना है। ये चैप्टर वन का मैप वर्क था। अब आ जाओ चैप्टर टू पे। चैप्टर टू पे मैप वर्क, मैंने हर चीज स्पेसिफिक अलग अलग करवाई है, लेकिन ये आपको रिविजन के हिसाब से वीडियो दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो फटाफट प्लॉट करेंगे माउंटेन रेंजेस में क्या है, देखो काराकोरम सबसे पहले, काराकोरम आपने लगाई है ऊपर वाली जो सबसे माउंटेन रेंज, जो ऊपर काराकोरम, काराकोरम बीच में आपको देखने मिलेगी जांस्कर, जांस्कर के बाद में जैसे आप देखेंगे तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक सारी है। अब पूछे क्या गई है, शिवालिक, शिवालिक मतलब क्या, जो सबसे नीचे वाली रेंज है वो शिवालिक, ठीक है। सबसे नीचे वाली मतलब क्या है कि इनर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट रेंज, और जो नदर मोस्ट रेंज है, तो सॉरी सदर मोस्ट रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस की जो तीन रेंजेस उसमें हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, नीचे वाली शिवालिक, ठीक है। तो ये आपका वन हो गया, ये आपका हो गया टू माउंटेन रेंजेस, ये हो गया आपका थ्री शिवालिक, ये थ्री शिवालिक, और फोर्थ की अगर बात करें क्या है, फोर्थ की अगर बात करें तो अरावली, अरावली कहां पे, राजस्थान में अरावली, विंध्या मध्य प्रदेश के बीच से, सतपुड़ा विंध्या के नीचे से, दोनों के बीच में से रिवर्स, रिवर कौन सी बहते हुए जाती है दोनों के बीच में से, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये अरावली आपका हो गया फोर, अरावली के बाद में विंध्या आपका हो गया फाइव, ये हो गया आपका सतपुड़ा सिक्स, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट जो इस तरह से क्या है डाइसेक्टेड है, क्योंकि बीच बीच में से नदी जो है वो डेल्टा बनाती है, फाइन। तो ये आपका सेवन वाला हो गया, ये सेवन वाला पार्ट पूरा, मतलब कौन सा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो ये ईस्टर्न घाट ईस्ट में, वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ये आपकी माउंटेन रेंजेस है, सिंपल है। मैं आपको ये मैप वर्क दे दूंगा और फाइन, ये आपको मैप वर्क मिल जाएगा, घबराना नहीं, लेकिन अगर आप प्लॉट करते चल रहे हो तो वो और ज्यादा आसान होगा। ये सारी माउंटेन रेंजेस हो गई, फाइन, काराकोरम, जांस्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या, माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक्स कौन कौन सी है, तो माउंटेन पीक्स में आपको लगाना है केटू, केटू गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे कहा जाता है, कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे, और अनाई मुडी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ नीलगिरी हिल्स में। तो इस तरह से आपने ये सारी पीक्स लगा ली है, देखो ऑलमोस्ट सेम लगी है, अनाई मुडी, केटू और कंचनजंगा, फाइन।
तो ये आपकी तीन पीक्स हो गई। तीन पीक्स के बाद में प्लेटू की अगर बात करें तो प्लेटू में क्या लगाना है, देखो प्लेटू मतलब क्या है, टेबल टॉप लैंड जो होता है। तो प्लेटू में आपको तीन चीजें ध्यान रखना है, लगाओ प्लॉट करते चलो, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और मालवा प्लेटू। तो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट ये आपको कौन सा मिल गया, मालवा प्लेटू, ठीक है। आप उसके बाद में जैसे देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा डेक्कन प्लेटू और ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेटू। तो अगर प्लॉट करें डेक्कन प्लेटू वन, छोटा नागपुर प्लेटू टू, और देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछा जा सकता है, लोकेटिंग लेबलिंग के लिए भी, तो ध्यान रखिएगा। और मालवा प्लेटू थ्री, फाइन मालवा प्लेटू थ्री, यही आपको मैप पे यहाँ पे प्लॉट करके दे दिया। तो मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, मैप में 19-20 चलेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटू पूछा आपसे, आपने छोटा नागपुर प्लेटू थोड़ा ऐसा कर दिया, या फिर आपने छोटा नागपुर प्लेटू थोड़ा ऐसा कर दिया, थोड़ा छोटा नागपुर प्लेटू को छोटा ही बना दिया, तो वो ठीक है, एडजस्टेबल है। लेकिन अगर छोटा नागपुर प्लेटू आप ये यहां बना रहे हो तो वो क्या है, 19-20 चलेगा, 19-90 नहीं चलेगा, ध्यान रहेगा। तो वो छोटी छोटी गलतियां, मतलब छोटा था थोड़ा सा एडजस्टमेंट चलता है, लेकिन प्रिसाइज लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट लोकेट करें। डेक्कन प्लेटू पूछा आप, डेक्कन प्लेटू यहां बना रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, डेक्कन प्लेटू इज दी दिस ट्रायंगुलर पार्ट, तो आप उस डेक्कन प्लेटू को आप ऐसा बना दो, उस डेक्कन प्लेटू को आप थोड़ा सा ऐसा बना दो, वो चल जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टेबल है, लेकिन ये ट्रायंगुलर पार्ट जो रहेगा डेक्कन प्लेटू का रहेगा, समझ गए। तो ये सारे प्लेटू हो गए, तीन के तीन प्लेटू हमने पढ़ दिए। अब प्लेटू के बाद में क्या है, कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव अ फाइन कोस्टल प्लेन। अब वो कोस्टल प्लेन कौन कौन सा है, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहां से स्टार्ट करें वेस्ट से हम, तो आपको जो चार पूछे जाएंगे वो कौन कौन से, कोंकण, ये कोंकण कोस्टल प्लेन हो गया। कोंकण के बाद में नीचे जैसे आप देखोगे तो ये मलाबार हो गया आपका, इधर हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट, और ऊपर आपने लगा दिया नदन सिरकर, ठीक है, नदन सिरकर। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 कोस्टल प्लेन्स, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, नदन सिरकर, ठीक है। तो ये 4 कोस्टल प्लेन्स जो है आपको यहां पे अपने ध्यान रखना है, फाइन। ये 4 कोस्टल प्लेन्स हो गए, ये 4 कोस्टल प्लेन्स के बाद में अब रिवर्स की बारी आती है। चैप्टर कौन सा है, ज्योग्राफी का, ड्रेनेज वाला। तो अब ड्रेनेज वाले चैप्टर में रिवर्स की बारी आती है, तो रिवर्स में हम क्या देख रहे हैं, रिवर्स में अगर जैसे अगर आप देखोगे तो द हिमालयन रिवर सिस्टम्स, हिमालयन रिवर सिस्टम में क्या क्या है, वो सारी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। क्या पूछी गई है आपसे, ओरिजिनेट तो बहुत होती है, आपसे पूछी गई है इंडस, गंगा और सतलज। तो इंडस वही नियर लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, बहते हुए जाती है कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान से अरेबियन सी में पाकिस्तान से होते हुए डुबकी लगा लेती है। तो ये आपकी कौन सी होगी, रिवर इंडस, फाइन, ये आपकी रिवर इंडस हो गई। इंडस रिवर के बाद में गंगा रिवर, तो गंगा रिवर कहां है, जैसे अगर आप देखोगे भागीरथी अलकनंदा हेडवाटर से, तो इनके बाद में यहां से गंगा रिवर आपके ऐसे बहते हुए ये जाती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर जाती बांग्लादेश, बांग्लादेश में वो मिलती है रिवर ब्रह्मपुत्र के साथ में, मिलने के बाद और घुसते से ही नाम बदल जाते हैं, ध्यान है, मेघना, पद्मा, जमुना, ध्यान आ रहा है कुछ कुछ। तो ये आपने दूसरी रिवर गंगा लगा ली, और तीसरी रिवर जो आपसे पूछी गई है वो है सतलज। तो सतलज भी वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर ओरिजिनेट होती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश से होते हुए मिठानकोट में जाके मिल जाती है, किससे, इंडस रिवर से। तो ये आपकी थर्ड रिवर हो गई सतलज, फाइन। तो कौन कौन सी, इंडस, गंगा और सतलज, तीन हिमालयन रिवर्स पूछी जाएगी आपसे, तीनों हिमालयन रिवर्स आपको ये मिल गई, इंडस, गंगा, सतलज, इंडस, गंगा, सतलज। तो वही है कि एकदम ऐसा नहीं है कि प्रिसाइज, मतलब ऐसा कि किधर मुड़ रही है सर, उधर से मुड़ रहा है, लेकिन आपको रिवर आइडेंटिफाई करते आ जाना चाहिए कौन सी है, समझ गए। ये तीन रिवर हिमालयन रिवर्स हो गई। पेनिनसुला रिवर्स की अगर बात करें तो पेनिनसुला रिवर्स में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, वो ध्यान रखिएगा, जी के के, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो साउथ में जो तीन रिवर पेनिनसुला रिवर्स आपको बताना है कौन कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन रिवर्स ये रहेंगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो इस तरह से पैटर्न में फ्लो कर रही है, पूरे साउथ इंडिया को कवर कर रही है, खास करके पेनिनसुला पार्ट को कवर कर रही है। उसके अलावा पेनिनसुला पार्ट में और कौन कौन सी रिवर्स है, तो जैसे नर्मदा रिवर हो गई, जैसे नर्मदा रिवर हो गई है, फाइन। नर्मदा रिवर के बाद में क्या है, तापी रिवर हो गई। तो यहाँ पे आपने नर्मदा लगाई, यहाँ पे आपने तापी लगाई, नर्मदा, तापी के बाद में एक और लगा देते, पहले महानदी। तो महानदी क्या है, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से फ्लो करते हुए डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, ये कौन सी रिवर हो गई आपकी, महानदी। अब क्या बचा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो वही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स, ये मेन रिवर ध्यान रखना है। मैप पे प्लॉटिंग के लिए ये नहीं है कि आपको कृष्णा के ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे। सीबीएसई ने जो मैप लिस्ट दी है, मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में ये मैप लिस्ट दिखाई है, कौन सी वाली, ये वाली। तो ये मैप लिस्ट में जैसा जो जो नाम लिखा है ना, वो सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों से पूछा जाए। तो ये आपके कोस्टल प्लेन्स हो गए। कोस्टल प्लेन्स के बाद में जैसे आप रिवर वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो हिमालयन रिवर्स हो गई, पेनिनसुला रिवर्स हो गई। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स दोनों ही हमने क्या कर ली, उसमें कंप्लीट कर ली, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स।
तो ये आपकी हिमालयन रिवर्स के बाद में पेनिनसुला रिवर्स, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फाइन, गोदावरी और कृष्णा दोनों ही महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, कावेरी जैसे आप देखोगे कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, महानदी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और ओडिशा से फ्लो करते हुए जाती है, नर्मदा और तापी जो है तो जैसे तापी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुड़ा की रेंजेस में और नर्मदा जो है अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और ऐसे फ्लो करते हुए। ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, मतलब वो रिवर ड्रॉ कर देंगे आपसे, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये रिवर ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द रिवर, तो आपको पता है कि ओडिशा से कौन सी रिवर जाती है, महानदी। ठीक है, वो केस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेक्स की बारी आती है, तो चार लेक पूछे गए हैं आपसे। लेक कौन कौन से, वुलर, पुलिकट, सांबार और चिलिका। तो वुलर लेक जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रेश वाटर लेक इन कश्मीर, वुलर लेक हो गया आपका। सांबार लेक आपको पता है कहां पे, राजस्थान में सांबार लेक। उसके बाद में क्या है, चिलिका और पुलिकट, तो आपको पता है दोनों कोस्टल लेक्स हो गए आपके, दोनों कोस्टल लेक्स हो गए, एक ओडिशा में और एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पर है, अब वो मैप आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो वुलर, सांबार, ये चिलिका लेक कहां लगाना है आपको, ओडिशा में, और पुलिकट लेक जो है, तो पुलिकट लेक आपको ध्यान है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे पुलिकट है। तो ये दोनों कौन से होंगे, सॉल्ट वाटर लेक्स होंगे, समुद्र में मिले हुए। सांबार लेक भी सॉल्ट वाटर लेक है और वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है। एक और होमवर्क देता हूं, मैंने दो होमवर्क दे दिए। तीसरा क्या, कि वुलर लेक इज ऑन विच रिवर, किस नदी पर है वुलर लेक, ये आप जरूर बताएंगे। फाइन, तो ये वुलर लेक हो गया आपका। उसके बाद में चैप्टर फोर, देखो तीन चैप्टर तक का मैंने बता दिया क्या क्या मैपवर्क है। चैप्टर फोर जो आ रहा है आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट चैप्टर का मैपवर्क क्या है, क्लाइमेट चैप्टर का मैपवर्क सिंपल सा है, एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर। मैप लिस्ट में लिखा है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। तो मान लीजिए मैंने आपको अगर एक एरिया शेड करके दे दिया, ठीक है, एरिया शेड करके दे दिया, ठीक है, अब सवाल कैसा भी बन सकता है, हाउ मच रेनफॉल डज दिस एरिया रिसीव्स, तो लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। एरिया कौन सा है, ये एरिया है आपका लद्दाख, लद्दाख वाला रीजन हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो रीजन हो गया आपका डेजर्ट वाला, ये भी क्या है, लेस देन 20 रेनफॉल, मतलब रेड कलर इज फॉर, रेड कलर इज फॉर लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला, लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रेड कलर, और येलो कलर जो है तो येलो कलर इज फॉर मोर देन 400। मोर देन 400 में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे आपको एरिया तो ध्यान रखना है, मोर देन 400 में एरिया आ जाएगा ये वेस्टर्न घाट वाला, पता नहीं येलो कलर आपको दिखता है कि नहीं, येलो कलर नहीं दिखता है मुझे जहां तक पता है, येलो नहीं दिखता, तो क्या लगाया जाए, ग्रीन, ग्रीन भी नहीं दिखेगा, लाइट में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन गड़बड़ गड़बड़ बनता है, ब्लू दिखेगा। हाँ, तो जैसे अगर हम देखें तो ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर इज फॉर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो ब्लू कलर में आपका एक वेस्टर्न घाट हो जाएगा, वेस्टर्न घाट में खूब पानी गिरता है इसलिए अपने ब्लू कर दिया उसको। उसी के साथ साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, तो जैसे मेघालय वगैरह जो है, चेरापूंजी, तो ये मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज, मोर देन 400 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले एरियाज, और रेड कलर में आपको लेस देन 20 सेंटीमीटर वाले। कहां मिलेगा सर, कहां से पता चला आपको, आप गए थे क्या देखने, तो आपकी बुक में ही दिया है सब। ठीक है, बुक से बाहर कुछ नहीं आता है, ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू पे अ प्रॉपर अटेंशन व्हाइल यू थिंग्स आर बीइंग टॉट इन द क्लास। तो लेस देन 20 में देखो ये रहा, ठीक है, ये मतलब ये सीजनल रेनफॉल और ये एनुअल रेनफॉल दोनों का मैप दिया अलग अलग, तो अगर आप यहां ध्यान रखोगे तो एनुअली लेस देन 20 सेंटीमीटर, लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होती है तो ये लद्दाख वाले रीजन में, और यहाँ पे एकदम जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, कौन सा वाला वेस्टर्न पार्ट इन द सेंस की थार डेजर्ट वाला, वहां पे हो रही है लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, और मोर देन 400 में अगर जैसे अगर आप देखोगे तो अबव 400 में ये वाला पार्ट हो गया एक आपका, और एक ये वाला पार्ट हो गया आपका मेघालय वाला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला। समझ में आया, सो दिस वॉज द मैप वर्क फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। आई होप यू पीपल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री के 3 चैप्टर, ज्योग्राफी के 4 चैप्टर पर्याप्त है, इससे ज्यादा हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आ रहा होगा ना। मैंने आपको पूरा मैप वर्क जो है प्लॉट करवा दिया है कुछ मिनटों में, बस इसको रिवाइज करना रिवीजन के हिसाब से, जो आपने प्लॉट किया उसको बार बार देखते रहना, और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। ठीक है, और जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि आप भी बहुत भयंकर सा रिजल्ट लेके आओ, एकदम ताबड़तोड़ वाला, जैसा आपके सीनियर्स ने लाए। हियर इज द इंटरेस्टिंग रिजल्ट विच योर सीनियर्स स्कोर्ड। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर 99.8%, अब बताओ नंबर ही नहीं कटे कहीं। ठीक, उसके साथ साथ में अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, इट इज अबाउट अनसेट। I would just take 2 minutes to inform you about this. UNSET क्या है? देखो, interesting है।
अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये क्या है? ये ऑल इंडिया लेवल पर आप आपकी क्लास के बच्चों के साथ कंपीट करोगे, स्कॉलरशिप एग्जाम टेस्ट है, जहां पे कब होना है पहले सवाल ये। तो ये होगा 8 से 15 अक्टूबर के बीच में। कहां होगा ये? ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, आप जैसे देने में कंफर्टेबल है। ऑफलाइन कहां होगा सर? तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपने पास का जो भी सेंटर आपको मिल रहा है, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपने पास का सेंटर जो भी दिख रहा है आपको, तो वो सेंटर चूज कर सकते हो, सेंटर पे जा सकते हो। स्कूल्स और बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे, तो जहां पे जाके आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ओएमआर भी रहेंगी, सारी चीजें रहेंगी, तो आप क्या कर सकते हो वहां पे टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों दें? ठीक है, देखो बेनिफिट्स बता रहा हूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो टॉप स्कॉलर्स रहेंगे तो दे विल गेट अ चांस टू विजिट यूरोस्पेस सेंटर। यूरोस्पेस सेंटर बढ़िया, साइंस वाइंस में अगर इंटरेस्ट है तो स्पेस सेंटर जाओ, घूम के आओ, ऑल एक्सपेंसेस ऑन अनअकैडमी, फाइन। उसके बाद में स्पेशल रैंकर्स ग्रुप जो रहेगा तो दे विल गेट स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एडुकेटर्स। तीसरा बेनिफिट, सचिन तेंदुलकर जो अनअकैडमी आइकॉन्स पे आपको आपको ये सिखाते क्रिकेट कैसे खेले जाए, तो वो अनअकैडमी आइकॉन्स का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, फॉर ऑल दोज हु आर एनरोलिंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। तीन बेनिफिट हो गए। चौथा बेनिफिट और सुनो क्या, कि यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी प्लस एंड इन द ऑफलाइन सेंटर्स ऑल्सो। तो जो ऑफलाइन सेंटर्स आपके नजदीक खुल रहे हैं, उन ऑफलाइन सेंटर्स पे आप 100+ स्कॉलरशिप, 100% तक स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। तो दिस इज द स्टोरी, अबाउट अनसेट। यूज द कोड दिगराज, यू कैन एनरोल इन दिस एग्जाम यूजिंग द कोड दिगराज। द रजिस्ट्रेशन फी विच इज बींग टेकन टू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेज इज जस्ट 99 rupees। आप इस एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं और वो सारे पर्क्स तो ले ही सकते हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप लाइव क्लासेस जो होती है, रेगुलर क्लासेस, उनमें अटेंड कर सकते हो। प्लस पर फीचर्स, प्लस फीचर में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें। आइकॉनिक में और आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी, पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द क्लैरिफिकेशन। साथ ही साथ मेरे जो कोर्सेज होते हैं, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्लास चलती है, साथ ही साथ 8:45 से 9:45 एवरी सैटरडे टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो दीज आर दी कोर्सेज फॉर 9th एंड सिमिलरली द कोर्सेज आर ऑल्सो देयर फॉर क्लास 10th। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्लास रहती है, सैटरडे टेस्ट सीरीज रहती है, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई होप यू पीपल एंजॉयड दी होल मैप वर्क फॉर हाफ ईयरली। मिलेंगे और अगले लेक्चर्स में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, signing off with this, together we can, we will, thank you very much.